तो या हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डॉट ई एन वी फाइल के बारे में सीखेंगे। डॉट ई एन वी फाइल क्या होती है एंड डॉट ई एन वी फाइल के क्या फ़ायदे होते हैं एंड कैसे उसे हम सेटअप करते हैं, क्योंकि डॉट ई एन वी फाइल का फ़ायदा ये होता है, लेट सपोज आप एक प्रोजेक्ट है उसको आप प्रोडक्शन पर डिप्लॉय कर रहे हो एंड वहाँ पर आप अपनी चीज़ों को एक्सपोज नहीं करना चाहते हो। वॉट माई डिफरेंसेस, आपने अगर कुछ इन्वायरमेंट या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, उनमें कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जो कि आप एक्सपोज नहीं करना चाहते हो पब्लिक को, या फिर किसी को आप अगर कोड अपना दे रहे हो तो वो एक्सपोज नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो अपनी चीज़ें डालें। यहाँ पे आप ऑथ की डाल सकते हो, या फिर आप कोई थर्ड पार्टी कोई इंटीग्रेशन कर रहे हो वहाँ पे कोई आपको क्लाइंट सीक्रेट क्लाइंट आईडी मिली है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप नहीं चाहते हो वो एक्सपोज हो। एंड एक बेस्ट पार्ट और डॉट ई एन वी फाइल का ये होता है, जब आप अपना कोड पुश करते हो गिटहब में तो फिर जो भी फाइल को जिस भी फाइल का नाम डॉट से स्टार्ट होता है गिटहब इसको इग्नोर कर देता है। और अगर आप कहोगे कि हम पूरी पूरी सेटिंग्स डॉट पी वाई को ही गिट इग्नोर फाइल में डाल दें तो वो भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये हो जाएगी फिर इंस्टॉल्ड ऐप मिडलवेयर ये सारी चीज़ें कहाँ से लेकर के आओगे, है ना। तो वो चीज़ें हैं एंड डॉट ई एन वी फाइल इज़ अ बेस्ट वे अगर आप कोई प्रोडक्शन में कोड डालते हो, एंड अगर कोई आपका कोड ले लेता है या फिर कोई हैक्स आ जाता है सेटिंग्स डॉट पी वाई पूरी सेटिंग्स डॉट पी वाई रीड कर लेता है तो उसको डॉट ई एन वी फाइल नहीं मिल पाएगी। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप प्रोडक्शन में डिप्लॉय करोगे या फिर कोई आप बड़ी जगह पर काम करोगे तो हमेशा डॉट ई एन वी फाइल यूज़ होती है। एंड अब बिना वेस्ट टाइम वेस्ट के बस स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऑटो बहुत सारा जांगो का कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे है, एंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को प्रमोट करेंगे तो दैट विल बी हेल्प मी, बिकॉज मैं बहुत सारा ऐसा ऐसा कंटेंट लेकर के आता हूँ दैट नो वन पोस्ट्स ऑन अदर यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ हेल्प मी आउट टू गेन मोर सब्सक्राइबर और मोर व्यूज़, सो लाइक इट्स काइंड ऑफ अ वेरी ईजी थिंग। सो ओके, सो ये हेल्प करता है ट्यूटोरियल बनाने में। एंड उसके अलावा आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा सोर्सरी एक्सटेंशन का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एक पावरफुल एक्सटेंशन यूज़ करना चाहते हो पाईचार्म वी एस कोड में, तो आप इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है। एंड इसमें आपको कोड रीफैक्टरिंग और उसके साथ साथ में आपका कोड कितना वो है अच्छा है क्या उसमें कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको पिप इंस्टॉल माई ये जांगो ई एन वी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं इसको पहले से ही इंस्टॉल करके रखा हुआ हूँ तो ऑलरेडी रिक्वायरमेंट डॉट सेटिस्फाई बता रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट ई एन वी फाइल भी मैंने क्रिएट करके रखी हुई है, इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड करी हुई, लेट सपोज मैं डिगबग फॉल्स लगता हूँ एंड मैंने एक थर्ड पार्टी एपीआई की यूज़ करी है तो वो एपीआई की मुझे यहाँ पे ऐड मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो है लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी मैं एपीआई की का नाम देता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे ए बी कुछ भी आप दे सकते हो, इट्स अ वेरी टेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये आपकी एपीआई की है एंड अगर आप चाहते हो कि ये सब चीज़ें एक्सपोज ना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो सेटिंग्स डॉट पी वाई में हम आएंगे एंड सबसे पहले हमने जो लाइक इंस्टॉल किया है उसको अब हम यहाँ पे सेटअप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं ई एन वी रॉन करके एंड उसके बाद ओएस को भी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ओएस। उसके बाद में हमें करना क्या होगा, इस पर्टिकुलर फाइल के पाथ को ऐड करना पड़ेगा, तो वो हम कर सकते हैं लाइक ई एन वी इज इक्वल टू env.env उसके बाद हम यहाँ पे चीज़ें ऐड करेंगे, लाइक लेट सपोज हम यहाँ पे पहले तो डिबग फॉल्स कर देते हैं, सो डिबग इक्वल टू बूल वैल्यू हम पास करेंगे यहाँ पे एंड इसमें हम फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें इस फाइल को रीड करवाना होगा, तो रीड करवाने के लिए हम यहाँ पे करेंगे env.env.read करके एक फंक्शन होता है डॉट रीड ई एन वी, उससे हम रीड करवाएंगे एंड इसमें हमें पाथ डालना पड़ेगा ओ एस का, सो ओ एस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन कर देंगे हम इसको
अपनी बेस डायरेक्टरी से जो फाइल का नाम है, तो अगर आप चाहो कुछ और फाइल लेना डॉट अभिजीत करके दे सकते हो, जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो। तो यहाँ पे हम डॉट env फाइल को रीड करवा लेंगे, ठीक है। सो ये इसका कुछ है। उसके बाद में अब लेट सपोज हमें कोई वैल्यू ऐड करनी है यहाँ पे, तो मैं इसको पहले प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। प्रिंट मैं करता हूँ env, env से हम ले करके आएंगे क्या वैल्यू को, डिबग को। तो डिबग, ओके, स्ट्रिंग्स में ऐड करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, डिबग लेकर के आए। और अगर हमें कोई चीज़ ऐड करनी है तो मैं वो भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने एक और वैल्यू बनाई थी, उसका नाम था क्या API की करके, तो इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड अब जब हम यहाँ पे जाएंगे, अभी मैंने वो करवाया हुआ है, प्रिंट करवाया, तो अब मैं जब पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करूँगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो रही थी। बग की वैल्यू फॉल्स थी और जो API की थी वो आपकी ये थी एंड ये थी। तो अगर आप इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे कट करके डिबग में यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने कहीं API की का वैल्यू बनाई हुई है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ओके। API की इज़ इक्वल टू env एंड इसमें आप API की इस तरीके से पास कर सकते हो। जब भी आप कोड अपना पुश करोगे तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी, ठीक है। तो आप देखोगे अलाउड होस्ट, अच्छा यहाँ पे अलाउड होस्ट देना पड़ेगा क्योंकि हमने डिबग इक्वल टू फॉल्स किया है। तो अलाउड होस्ट में हम लोग यहाँ पे एस्ट्रिक कर देते हैं, उसके बाद अब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो वर्क करेगा। एंड ये आपकी API की, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा जब आप यूज़ करोगे, आप कोड पुश करोगे, इसमें आपने कोई और टेबल या फिर कोई क्लाइंट ID, क्लाइंट सीक्रेट चीज़ें ऐड करी है, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो था एंड मैंने सोचा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं इसको बना देता हूँ। एंड अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा इस वीडियो को बनाने का। एंड इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखना, रेस कंडीशन एंड जांगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई विल रिकमेंड कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखो, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा वीडियो होता है ना उतने कम व्यूज़ आते हैं। सो व्हाट आई विल रिकमेंड इज़ टू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप चैनल चेकआउट कर सकते हो, इसमें बहुत सारा अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।